दादी, अरे बच्चों, क्या बात है, सोना नहीं क्या आज नींद नहीं आ रही? नहीं ना, नींद नहीं आ रही, इसलिए आपके पास आए कोई कहानी सुनने के लिए। हाँ दादी, हमको कहानी सुननी है इसलिए तो आए आपके पास। आपकी कहानियां जबरदस्त होती है, स्पेशली भूतों वालों में तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है। दादी पर इस बार ना हमें कुछ ऐसी कहानी सुननी है जो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी हो, यानी कि कोई ट्रू इवेंट ऐसा हुआ हो जो आपको याद है या फिर आपको किसी ने बताया है, ऐसा वाला। बहुत मजा आता है ऐसी कहानी सुनने में। चलो, तुम दोनों की अगर इतनी ही इच्छा हो तो मैं तुम दोनों को सुना देती हूँ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। बहुत इच्छा है ना भूतों की कहानी सुनने की, बताती हूँ। आज तुम दोनों को मैं सुनाऊंगी डायन की कहानी। डायन? मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी, पर ये सच है। हाँ, ऐसे पापा ने मुझे बोला है। आज तक दादी आपने चुड़ैलों की कहानी सुनाई है, भूतों की सुनाई है, डायन पहली बार आप ऐसा बता रही हो। डायन क्या होता है? दादी, डायन और चुड़ैल में फर्क क्या? जहाँ तक मेरी समझ जाती है और जितना मुझे पता है, डायन को हमेशा काला पसंद होता है। उसको काले रंग में ज्यादातर दर्शाते हैं, अगर आप कहीं पर भी देखो, क्योंकि उसके पास काली विद्याएं होती है, काला जादू वो करती है। तो वही चुड़ैल, चुड़ैल हमेशा सफेद कपड़े में दिखती है, क्योंकि उसके पीछे की जो बात है, जहाँ तक मुझे पता है, जो लड़कियाँ औरतें बिना शादी हुए भगवान के पास चली जाती है, वो अक्सर चुड़ैल बन जाती है। अच्छा, तो डायन मैरिड है, मतलब वो शादीशुदा है? इतना डिटेल में मुझे नहीं पता, मैंने उसके ऊपर पीएचडी नहीं की। डायनों की बात बहुत कम की जाती है और ज्यादा पता भी नहीं डायन के बारे में किसी को, पर मुझे जितना पता है उतना मैं बता रही हूँ। और जो मेरे पापा ने कहानी बताई थी एक डायन की, वो मैं आज बताने वाली हूँ। बहुत पुरानी बात है, डरना मत, मुझे ऐसी करने की आदत है। बहुत पुरानी बात है, काला काठी नाम का एक रास्ता हुआ करता था। सुबह के वक्त तो यहाँ पे काफी ज्यादा चलन होता रहता था लोगों का, वाहनों का, पर जैसे ही रात ढल जाती थी रास्ता सुनसान हो जाता था। रास्ते के ऊपर बिल्ली भी नहीं भटकती थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता था उस रास्ते पे रात को डायन मंडराती है अपने नंगे पैर लेकर। एक दिन ऐसे ही डायन उस रास्ते पे, काला काठी नाम के रास्ते पे घूम रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां पे आया। उसको पता नहीं था डायन के बारे में, उस रास्ते के बारे में। वो उस इलाके में नया था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो आखिर तो मस्त। डायन ऐसे पीछे मुड़ के खड़ी थी, उसके लंबे चौड़े, डायन जो होती है ना, कहते हैं उनके बहुत लंबे बाल होते हैं, ऐसा लंबे बाल पीछे मुड़ के वो इस तरफ ऐसा इशारा करके खड़ी थी। लगता है मेरी सपनों की रानी आ गई। हेलो, ब्लैक साड़ी, ब्लैक हेयर, हाउ आर यू? वो बुढ़ा आया, थोड़ा कमीना किस्म का ही था। वो डायन के ऊपर लाइन मारने लगा। हेलो मिस, पर डायन ने अपनी शक्तियों से उस बुढ़े को काबू में कर लिया। अब वो बुढ़ा पूरी तरीके से डायन ने अपने कंट्रोल में किया था। बच्चों, रात हो गई है ना, सो जाओ जल्दी, कल सुबह जाना है स्कूल कॉलेज, शुरू हो गया अब सब कुछ। मम्मी, दादी हमें कहानी सुना रही हैं। ससुमा, फिर शुरू हो गया आप कहानी सुनाना। किसकी कहानी सुना रही थी? डायन की कहानी सुना रही थी दादी। आगो भाई,
क्या हुआ? ससमा आप क्या अंतर्यामी हो क्या? क्यों नहीं, जब जब आप ऐसी भूतों की पिशाचों की कहानियां सुनाती हो ना, तब तो बहुत सारी चीजें सच हो जाती है। हो मैं अंतर्यामी? इस बार का आपका अंतर्ज्ञान कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ने वाला है सबको। बिल्कुल कोई नहीं सुनेगा डायन की कहानी। उठो जल्दी से, उठने का यहाँ से और सुने जाने का। बस बस तू क्यों डायन बन रही है? चलो वैसे बहू, क्या ये खुले बालों में काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही तू? अच्छा सच में क्या? डायन जैसे। चलो मेरी ड्यूटी तो खत्म हो गई, अब मैं घर चलता हूँ। चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी आंखें झुक क्यों गई आपकी? वैसे तो बड़े आंखें ऊपर करके चलते हो, कुछ कांड कर दिया क्या? ओ चाचा जी ये बुड्ढे, ये तीन डाइवोर्स वाले, तीन बार आपकी शादी टूटी चाचा जी। क्या बात है, आज मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा। कौन हो आप? सोसाइटी के अंदर कैसे आ सकती हो मेरे परमिशन के बिना? मैडम ब्लैक साड़ी अमाल है, कोई भी घुस जाता है हमारी सोसाइटी में। अरे मैं वॉचमैन हूं, मेरे कोई इज्जत है कि? ब्लैक साड़ी कहाँ गई? ब्लैक साड़ी मिस मिसेस मिस्टर कहाँ पे है? यही पे तो सही गायब का हो। मिस यही पे तो थी, कहाँ चली गई? हाँ मेरे डर की वजह से शायद भाग गई होगी, मेरा दुबई इतना है। शर्मिला और बहन बाहर आ जा जल्दी। क्या हुआ सुमित्रा? पानी आ रहा है क्या तेरे घर का? आई का पानी? एक बूंद नहीं है घर में पानी की। अभी रात के बर्तन वैसे पड़े, कपड़े धोने, वो तो अच्छा हो गया सबका नहाना होने के बाद पानी चला गया है, नहीं तो बड़ी पंचायत हो जाती। मेरा भी पानी कब से गया है पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। शशि बहन, और शशि बहन क्या हुआ? सुमित्रा बहन पानी आ रहा है क्या आपके घर का? अरे काई का पानी, पानी का नाम और निशान नहीं है सुबह से, नहाने के लिए नहीं, धोने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। इनका भी चला गया, मुझे लगता है पूरी सोसाइटी का ही पानी चला गया। वॉचमैन का है? वॉचमैन ही गया है, कैसे भरेगा सोसाइटी में कोई पानी? लगता है टंकी भरी नहीं आज। नहीं इसे बात के पैसे लेता है वो, मोटे मोटे नकाम। अरे काम नकाज का दुश्मन पानी का। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये वॉचमैन किस बात के पैसे लेते हैं, दिन भर तो सोता रहता है। इनकी वजह से, इनके फेवरेट है ना वो। मैं कितनी बार बोलती हूँ उसको अपने काम जिम्मेदारी से करने चाहिए कि नहीं? उसका काम है सुबह 5 बजे उठ के टंकी भरना। अभी सुबह से सब जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है इनको क्या पता? कुछ रिएक्शन तो लेना ही पड़ेगा इसके ऊपर। रिएक्शन तब देते हैं जब एक्शन करते हैं, पहले एक्शन लेना पड़ेगा उसके बाद रिएक्शन होगा। हाँ तेज थे बहन को आता नहीं फिर भी कॉन्फिडेंस देखो एवरी टाइम हाई। शर्मिला जी पानी चला गया है क्या? आ गई लेट करंट। शर्वरी तुम्हारे घर का पानी आ रहा है क्या? नहीं मेरे इसमें पानी नहीं आ रहा, तुम्हारा इसका आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है पूरी सोसाइटी का ही पानी चला गया है। पता है जोया जी, बताने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए सुमित्रा जी, फिर आपको कोई नहीं बता रहा। क्यों बार बार आप दूसरों की बातों में अपनी बात शामिल कर देती हो? क्या करे जोया, वो है आदत से मजबूर। हुजूर हुजूर वो है आदत से मशहूर। जब से इसकी जॉब लगी है तब से जबान कैंची की तरफ चिच 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 करने लगे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सुमित्रा जी, शायद आपको थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है। जैसे मैं जॉब लगने से पहले थी वैसे आज भी हूँ, पर बदल आपका नजरिया गया है मेरे बारे में। गलत फहमी मुझे नहीं, गलत फहमी आपको है। आपको मुझे क्या गलत फहमी है? आपके 4 किलो के मेकअप की खूबसूरती की। कोई गलत फहमी नहीं है उसकी खूबसूरती, उसकी खूबसूरती तो हकीकत है। हाँ हकीकत ही है, सबको पता है 4 किलो मेकअप ऐसा सीढ़ियों पे बिछ जाता है, जब भी चली जाती है पाउडर पाउडर हो जाता है। आ गया क्या पानी? नहीं ना हो, पानी नहीं आया।
अपने वॉचमैन को कॉल किया क्या? लगा क्या उसका कॉल? अरे उसको कॉल करके मैं थक गया, मैं उसके घर भी गया था, वो घर भी नहीं है। चंपा को बोला तो चंपा अभी अपना हॉस्पिटल में शिफ्ट करी, उसको कुछ पता नहीं है। पता नहीं है वॉचमैन का आता पता क्यों नहीं लग रहा है। क्या करे अब? शुरा के पापा आप थोड़ा टंकी का नल चालू कर देंगे क्या? वो टंकी भर जाएगी ना। अगो भाई शर्वरी जी क्या बोला आपने? नहीं ये करेंगे नल चालू, इनका काम है वो, जिसको जो काम दिया है उसको करना चाहिए वो, हमारे इनका काम नहीं है ये नहीं करेंगे नल चालू, कोई नहीं करेगा नल चालू, क्या जरूरत है हमको? हम क्या सोसाइटी के ठेकेदार है? शर्मिला जी पता है मुझे ये काम वॉचमैन का है, पर किसी को तो करना ही चाहिए ना, अगर कोई नहीं करेगा तो सोसाइटी में पानी कैसे आएगा? हाँ तो अगर आपको सोसाइटी की इतनी चिंता है ना तो जाइए खुद कीजिए नल चालू, किसने मना किया आपको? हम नहीं करेंगे, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा, जिसका काम है उसको करना चाहिए, मेंटेनेंस भरते हैं, वॉचमैन को सारा फीस देते हैं उसका, फिर वो किस काम का? ऐसे सिर पे चढ़ जाता है लाड़ प्यार की वजह से। आप तो सबके ही लाड़ प्यार करती हो। हाँ मैं कर देता हूँ टंकी का नल चालू। ओह क्या हाँ बोल रहे हो आप? नहीं आप आपका क्या है नल चालू करना? घर के एक काम नहीं करते, अब जाइए टंकी का नल चालू करने। क्यों आपका काम है वो? बिल्कुल नहीं जाओगे आप नल चालू करने के लिए? आ जाए चुपचाप ऊपर काम करने, बहुत सारे घर में। शर्मिला कैसी बात कर रही हो तुम? अरे थोड़ा समाज के नजरिए से हमको देखना चाहिए, प्रॉब्लम हो रहा है और पानी के बिना जीवन एकदम अधूरा सा है, पानी के बिना कैसे क्या कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। मैं चालू करके आता हूँ नल। शर्मिला जी डोंट वरी आई एम हियर, मैं कर देता हूँ नल चालू। क्या कर देता हूँ क्या कर देता हूँ? ऊपर आइए चुपचाप, वो पंखा साफ कीजिए पहले, सारा धूल ऊपर से ऐसा गिरता है उसके ऊपर से। चलिए पहले नीचे पंखा साफ कीजिए, बाद में करना टंकी नल चालू। चलिए शर्मिला कर देता हूँ मैं चालू, चालू करने क्या जाते हैं, बस वहाँ पे जाके ऐसा करना है। मैं हूँ शर्वरी जी आई एम हियर, मैं कर देता हूँ चालू डोंट वरी। क्या इतना मुश्किल नल इतना चालू कर, जाओ ना ऊपर वो नल का कॉक चालू कर। जाइए जाइए आई एम कमिंग। मैं हूँ ना शर्वरी जी, जब तक मैं हूँ तब तक आपको इस सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जाता हूँ और चालू करके आता हूँ। सच में आजकल के जमाने में बीवी कितनी भी अच्छे क्यों ना हो, बात तो पड़ोसन की मानते हैं। शर्वरी जी ने मुझे बोला जाइए ना श्रेया के पापा आप चालू कीजिए नल, कहीं ना कहीं वो मुझे हीरो मानती है सोसाइटी का, और वैसे भी मैं हुई ना हीरो मटेरियल। घूम क्यों नहीं रहा? अरे चालू कर दिया हीरो। बरी जी हो गया नल चालू, हो गया आ जाएगा पानी। आपका खूब खूब धन्यवाद। नहीं वेरी गुड, हाँ ऐसे ही काम कीजिए आप, सबके घरों में जाइए काम करने के लिए, हमारे ये फ्री होते हैं, बुलाना सब इनको काम करने के लिए, कोई काम नहीं होता इनके पास, नल चालू कर रहे सोसाइटी के। आइए घर में दिखाती हूँ आपको।